नेमेटोड दुनिया भर में फल और सब्जी की फसल की उपज में होने वाली भारी नुकसान के लिए जिम्मेदार होते हैं। रूट नॉट नेमेटोड नामक छोटे सूत्र कृमि जमीन में ही रहते हैं और उनके लार्वा पेड़ की जड़ों पर हमला करते हैं। नेमेटोड जड़ों के अंदर जाकर अंडे देते हैं, जिससे जड़ों में गांठें बन जाती हैं और उनसे पानी एवं पोषक तत्वों का अवशोषण एवं प्रवाह नहीं हो पाता है, जिससे ग्रसित पौधे ज्यादा नहीं बढ़ पाते। भारत में नेमेटोड की समस्या को 1901 में दक्षिण भारत में उजागर किया गया था। इसके बाद भारत के विभिन्न वैज्ञानिकों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलों में नेमेटोड इन्फेक्शन की पहचान की। चूंकि नेमेटोड जमीन के अंदर रहते हैं, इसीलिए आसानी से नजर नहीं आते। किसान नेमेटोड इन्फेक्शन के लक्षणों को पहचान नहीं पाते और उन्हें यह फफूंद लगना या पोषक तत्वों की कमी या पौधे की शारीरिक बनावट में कमी लगती है। इसकी वजह से भारत सरकार नेमेटोलॉजी विभाग के जरिए कई जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, जिनका उद्देश्य समेकित समाधानों के जरिए नेमेटोड के निवारण के बारे में बताना है, जिसमें नेमेटिसाइड का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलीहाउस के मामले में नेमेटोड की समस्या और भी ज्यादा है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां नेमेटोड के विकास के लिए सबसे अनुकूल हैं। इसलिए किसान के लिए फसल की सुरक्षा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उन्हें फसल जड़ से उखाड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। नेमेटोड समस्या की वजह से उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में नेमेटोड नियंत्रण का उपाय विषाक्त रसायन है। ये नेमेटोड नियंत्रण के लिए एक अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि इसमें दक्षता की कमी है, जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान होता है।